Hello friends, hello my dear students, welcome to my YouTube channel Concept of Physics by Lalan Kumar. सभी बच्चे तैयार हो चुके हैं. चलिए बहुत अच्छा, एकदम तैयार रहिए कॉपी कलम लेकर. हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ाई. चैप्टर टू वेक्टर एनालिसिस पर हम लोग पिछले क्लास में क्लास स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने आपको रफ डिस्कस करके अदिश और सदिश राशि को समझाने का कोशिश किया था. कुछ कंसेप्ट उसमें ये था जो बच्चे क्लास के आधार पर था, लेकिन कुछ कंसेप्ट आपको अलग हट के दिया गया था. यदि आपने क्लास देखा है तो आपको एहसास हो गया होगा. तो चलिए उसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाता हूँ और यहाँ से आपको बताने का कोशिश करता हूँ. तो अब हम लोग जो कल डिस्कस कर लिए थे उसको थोड़ा नोट्स भी बनाएंगे और उसको लिखेंगे भी और उससे आगे बढ़ेंगे. तो तैयार हो जाइए. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अपने कॉपी में, चैप्टर का नाम था वेक्टर एनालिसिस. क्या नाम था? वेक्टर एनालिसिस. शुद्ध हिंदी में इसको कहते हैं सदिश विश्लेषण. इसके अंदर सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने होगा. पहला प्रश्न ये होगा, अदिश राशि क्या है? इंग्लिश वर्ड होता है स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी. सबसे पहले हम लोग इसमें लिखना चाहेंगे वह भौतिक राशि. तेजी से लिखिएगा, वह भौतिक राशि जिसमें सिर्फ परिमाण को इंग्लिश में कहते हैं मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन दिशा डायरेक्शन नहीं होता है. नहीं होता है कॉमा, अदिश राशि कहलाता है. जिन बच्चों को इंग्लिश में लिखना हो लिख सकते हैं द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड देयर इज नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. इसको अपने पिछले क्लास में सिखाया गया था, समझाया गया था. तो चलिए जल्दी जल्दी लिखिएगा, देरी नहीं करना आपको. ये पहला स्टेटमेंट था तो सबसे पहले आपको सिखाया गया था कि अदिश राशि क्या है. ये बच्चे क्लास के कंसेप्ट के आधार पर ये
स्टेटमेंट है। अब इसमें न्यूपन आपको लाके दिखाया था मैंने, वो न्यूपन क्या आया था उसमें बताया था, वह भौतिक राशि राशि जो अलजेब्रिक सम का पालन करता है, यही मेन आप याद रखिएगा, पालन करता है कमा अदिश राशि कहलाता है। अदिश राशि कहलाता है, तो हम लोग इसको इस प्रकार से कह सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी ऑब्वियस द अलजेब्रिक सम, इसको एग्जांपल लेके पिछले क्लास में सिखाया गया था, समझाया गया था। तो चलिए यहाँ तक आप लोग लिख लिए, तो फिर वो एग्जांपल थोड़ा थोड़ा फिर से रिवीजन करा देंगे, हो सकता है कुछ बच्चा किसी भी पिछले क्लास में नहीं सुना होगा, तो उसके लिए वो एग्जांपल पुनः रिपीट कर दिया जाएगा। एक दो एग्जांपल पिछले क्लास में बहुत सारे एग्जांपल दिया गया था, ये सेकेंड स्टेटमेंट को समझाने के लिए आपके सामने एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल देता हूँ जिसको गौर से समझेंगे। हो गया लिखा हुआ, आगे बढ़ा जाए, वेरी गुड। अब देखेंगे यहां पर हम लोग, जब तक नहीं होगा तो हम नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप लोग से पूछ पूछ के आगे बढ़ेंगे। कुछ एग्जांपल लिख लीजिए, तो पहले से फॉर एग्जांपल, एग्जांपल में सबसे पहला टर्म आप लिखिएगा द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मास, दूरी, डिस्टेंस, डिस्टेंस, समय, टाइम, ताप, टेम्परेचर, टेम्परेचर, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, इलेक्ट्रिक करेंट, फिर उसके बाद लिखेंगे चाल, स्पीड, फिर उसके बाद लिखेंगे आयतन, वॉल्यूम, वॉल्यूम, फिर लिखेंगे घनत्व, डेंसिटी, डेंसिटी, फिर लिखेंगे हम लोग कार्य, वर्क, ऊर्जा, इनर्जी, शक्ति, पावर, पावर, आवेश, चार्ज, विभव, आप लोगों ने सुना होगा दसवां क्लास में, पोटेंशियल, विभवांतर, शॉर्ट में बोलते हैं पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस,
गुरुत्वीय विभव, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये सब कॉमन वर्ड है। उसके बाद बहुत सारे टर्म है, आगे आप पढ़ाई करेंगे तो आपको बहुत सारे टर्म मिलते चले जाएंगे। ये सभी जो सब एग्जांपल आपके सामने हैं, ये सभी एग्जांपल स्केलर क्वांटिटी का है। इसमें इन सभी को व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, किसी के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। अब हमें यहाँ पर समझना है कि सर वो जो सेकंड स्टेटमेंट जो लिखे थे उसमें ये बताने का कोशिश किया गया था कि ये सभी राशियां अलजेब्रिक सम का पालन करता है। तो जैसे मैं आपको 10th क्लास में आपने पढ़ा था वो उदाहरण में देना चाहता हूँ। पहला उदाहरण जैसे है द्रव्यमान। चलिए इस द्रव्यमान में हम बताना चाहेंगे अलजेब्रिक सम का पालन कैसे होता है। मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि सपोज करो कि ये थैला है, इसमें आप बाजार से सब्जी खरीदने गए थे, अलग अलग सब्जी लेकर आप आए, और तो घर में मान लीजिए 5 kg आलू लेके आए, 2 kg आपने टमाटर ले लिया, 4 kg आपने परवल ले लिया, 2 kg आपने चीनी भी ले लिया और 1 kg नमक भी ले लिया। तो अलग अलग सामान का द्रव्यमान अलग अलग है। अब कोई पूछेगा इस थैला में कुल द्रव्यमान कितना है, आपसे पूछा जाए, इंग्लिश में कहते हैं टोटल मास कितना है, आपका जवाब होगा इस तरह से आप जोड़ के लिखेंगे 5 + 2 + 3 + 4 + 1 जोड़ देंगे, आपका जवाब कितना हो जाएगा? 3 ना है, अच्छा इसी को हम 3 बना देते। तो इस तरह से कितना होगी आपका, जोड़ के बताइए दो, 15। तो 15 kg आप बोल देते हो। सर इस तरह से यदि किसी भी राशि का मान जोड़ के बताते हैं तो इसी को कहते हैं हम लोग, इस तरह के जोड़ को हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक सम। क्या कहते हैं? अलजेब्रिक सम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जितने भी एग्जांपल आपको दिए गए हैं इन सभी का टोटल कुल जब मान निकालेंगे तो वो सभी का कुल मान अलजेब्रा के द्वारा जोड़ के बता सकते हैं, अलजेब्रिक सम के द्वारा बता सकते हैं। इसीलिए ये सभी एग्जांपल जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसमें किसी को एक्सप्लेन करने के लिए डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप दुकान से 5 kg चीनी लेके आए, आपके दोस्तों ने आपसे पूछा अरे भाई क्या है, आपने कहा चीनी है, अरे कितना चीनी है रे, 5 kg उतार, 5 kg पूरा, क्या बोलते हैं कोई बच्चे? सिर्फ 5 kg बोलते हैं सर, उत्तर दक्षिण इसमें बोलते नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर क्या निष्कर्ष निकला कि चीनी के द्रव्यमान को बताने के लिए हमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। इसलिए हम लोग उसको क्या कहेंगे? अदिश राशि। जितना भी चीज है सबके बारे में आप बता सकते हो। जैसे आप 10th क्लास में पढ़े थे तो उसमें, और आप पढ़े होंगे जैसे 10th क्लास में पढ़ते थे कि सपोज करो यहाँ पर एक चालक तार जोड़े, यहाँ दूसरा चालक तार जोड़े, तीसरा चालक तार जोड़े, चौथा चालक तार जोड़े और इससे एक बैटरी को मैंने जोड़ दिया इसमें। आप ध्यान दीजिएगा, इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर कोई आदमी बता दिया, यहाँ से यहाँ तक का विभवांतर 10 volt है। फिर इसका विभवांतर यहाँ पर कोई बता दिया कि यहाँ पर विभवांतर 8 volt है, यहाँ पर विभवांतर कोई बता दिया आपको 10 volt है, 12 volt है, और यहाँ पर बता दिया किसी ने, यहाँ पर जो वोल्ट है इसका मान बता दिया 20 volt है। अब कहेगा
यह बैटरी टोटल कितने वोल्ट का है। तो अंतिम सिरा आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, इसका नाम ई दे दो। अब आप बच्चों से प्रश्न किया जाएगा, टेंथ क्लास में आप पढ़ते होंगे, जल्दी से आप बता दो यह श्रेणी क्रम में है कि समांतर में। वेरी गुड, श्रेणी क्रम का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है अंतिम सिरों के बीच का विभवांतर प्रत्येक के विभवांतर के जोड़ के बराबर होता है। तो अंतिम सिरा का विभवांतर जो होगा वहां पर जो होगा आपको बताना है, तो आप कहेंगे 10 वोल्ट प्लस 8 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट प्लस 20 वोल्ट, इस तरह से जोड़ के आप टोटल मान बताएंगे। जल्दी कितना हो गया, 40 वोल्ट और 50 वोल्ट। अच्छा क्या कीजिएगा, मेरा मैथमेटिक्स थोड़ा कमजोर है, आप लोग हमको मदद कीजिएगा। तो इस तरह से जोड़ के आपने 50 बता दिया, तो ऐसे जोड़ के जब बताया तो इसने किसका पालन किया, अलजेब्रिक सम का पालन किया इसने। तो ये एग्जांपल आपका दिखाया गया कि विद्युत विभवांतर सब जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो ये था गप खत्म, अब इसके बाद इस पर कोई चर्चा नहीं। मेन चर्चा इस पर है सदिश राशि पर, किस पर है, वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि पर चर्चा करना है। तो चलिए हम लोग अब इसको हटाते हैं यहाँ से, रफ था, इसको डिलीट कर देते हैं, कोई मतलब नहीं इसका यहाँ पर। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और दूसरा पॉइंट चूज करते हैं, और दूसरा पॉइंट हमारा है सदिश राशि। सदिश राशि इंग्लिश वर्ड है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी चलिए अब इसमें बताना सिंपल, जो जो राशि अलजेब्रिक सम का पालन करता है अदिश राशि, और जो पालन नहीं करता है वो सदिश। एकदम सिंपल भाषा में बोलना है, को पूछे सदिश राशि किसको कहते हैं, आप एक लाइन में कह देंगे वह भौतिक राशि जो अलजेब्रिक सम का पालन नहीं करता उसको क्या कहते हैं। फिर बातें आता है तब ये किसका पालन करता है, सदिश राशि किसका पालन करता है। तो आपको बताए थे कल, याद होगा, त्रिभुज नियम या समांतर चतुर्भुज नियम का उपयोग किया जाता है दो सदिश तीन सदिश को जोड़ने में, त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम का पालन करना पड़ता है। तैयार तो हैं आप लोग। अब इसमें एक और विशेष बात है जो बच्चे क्लास में पढ़ते आ रहे थे, इसमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने किसी वस्तु पर बल लगाया, वह बल कितना लगाया और किधर लगाया, दो प्रश्न पूछिएगा तो दोनों को का जवाब आपको मिलेगा, कितना और किधर। कितना लगाया, 100 न्यूटन। किधर लगाया, पूरब की ओर। किधर लगाया, पश्चिम की ओर। तो दिशा निश्चित है और परिमाण भी है, तो उसको हम लोग कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि। और ये अलजेब्रा की तरह जोड़ेंगे तो आंसर क्या होगा, गलत, जो कि मैं आपको फिर से समझाता हूँ, पिछले क्लास में भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। चलिए फटाफट पहले इसके डिफ्रेक्शन को हम लोग लिखते हैं, तेजी से लिखेंगे हम लोग। वह भौतिक राशि बोलते भी जाते हैं, आप लोग फटाफट लिखते जाइए, वह भौतिक राशि जिसमें जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, कॉमा सदिश राशि कहलाता है।
इसको इंग्लिश में लिखेंगे द फिजिकल क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नॉन एज वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी अब इसका दूसरा बातें होगा सदिश राशि अलजेब्रिक सम अलजेब्रिक सम का पालन नहीं करता है अलजेब्रिक सम का पालन नहीं करता है इसको हम लोग को ध्यान में रखना है तब यह किसका पालन करता है यह त्रिभुज नियम इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रायंगल लॉ तथा समांतर चतुर्भुज नियम हम लोग इसको जानते नहीं है लेकिन अभी सुना है इसका व्याख्या देखेंगे समांतर चतुर्भुज नियम नियम इंग्लिश से कहेंगे पैरेललोग्राम लॉ का पालन करता है आइए इसको रफ में जल्दी से समझाने का कोशिश करते हैं अभी ऐसा होगा हो सकता है कि आज क्लास में कोई नए बच्चे पर आए हों तो उसको लगता होगा सर लिखा है जो ढेरी रे लेकिन नहीं कल जो क्लास आए होंगे तो कल बोला होगा सर तो लिखवे नहीं करे जो रे तो सभी तरह का माहौल बनता है परिस्थिति के अनुसार काम करना पड़ता है जब कोई नया बात विशेष बात डिस्कस करना पड़ता है वहाँ पर लिखने पर ध्यान कम डिस्कशन पर ध्यान ज़्यादा जब डिस्कशन कंप्लीट तो लिखने का काम तेजी से चलता है इसलिए दोनों माहौल मिलेगा आप लोग छटपटाइएगा नहीं लिख लिए आप लोग चलिए वेरी गुड अब मैं इस पर थोड़ा सा और डिस्कस करता हूं क्योंकि उन बच्चों को चाहिए डिस्कशन जो कल अब्सेंट थे अब यहां पर देखते हैं अभी बोला गया था आपको सर यहां से एक आदमी चलना शुरू किया ए बिंदु से वह बी बिंदु पर पहुंचा और 90 डिग्री से वह मुड़ गया 90 डिग्री से मुड़कर वह यहां आ गया तो यह 90 डिग्री से अपना रास्ता को मोड़ा बी से वह सी पर पहुंचा ए से बी पर गया था तो उसने 8 मीटर दूरी तय किया था और बी से जब सी पर पहुंचा तो उसने 6 मीटर दूरी तय किया तो ए से चलना स्टार्ट किया मोशन स्टार्ट किया यहाँ से और यहाँ पर आके रुक गया मोशन यहाँ पर इंड हो गया तो माय डियर बच्चे स्टार्ट और इंड पॉइंट निश्चित है कहाँ से चला कहाँ अंत हुआ अब आप बच्चों से पूछा जाएगा विस्थापन का मान कितना होगा तो कुल विस्थापन कितना होगा विस्थापन को इंग्लिश में क्या कहते हैं सारे बच्चों को याद रखना है डिस्प्लेसमेंट याद रखिएगा ये मान कितना होगा तो सबसे पहले तो कुछ बच्चे डिस्प्लेसमेंट को जानते नहीं होंगे
और जो बच्चे कल थे वो तो जान लिए थे क्या है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए तेजी से जवाब आ भी गया, नहीं तो थोड़ा सा लड़खड़ाते। तो चलिए बात मैं स्टार्ट करता हूँ आगे। विस्थापन कहते किसको है सर? हम बच्चों के माइंड में सेट होना चाहिए जहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ पर जाके एंड हुआ, उन दोनों बिंदुओं के बीच का न्यूनतम लंबाई, मिनिमम लेंथ, शॉर्टेस्ट लेंथ को विस्थापन कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। तो जहाँ से स्टार्ट किया जहाँ पर एंड हुआ, तो दोनों के बीच की लंबाई न्यूनतम होने के पीछे कंसेप्ट है, तो दोनों को एक सरल रेखा से मिलाएंगे। क्या करेंगे? तो दोनों को सरल रेखा से मिलाएंगे, वह जो लेंथ होगा वही लेंथ आपका कहलाएगा विस्थापन। तो ए से जो सी तक की लंबाई होगा यही आपका हुआ विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। इसका मान कितना होगा यही पूछा गया है। तो आप खूब प्यार से सोचो, यदि इसका मान हम लोग ऐसे लिख देते हैं 8 + 6 = 14 मीटर, तो ये क्या हो जाना चाहिए? गलत हो जाना चाहिए। इसका मतलब हुआ रुक जाइए जरा सा, इसका मतलब हुआ कि ये विस्थापन शब्द का जब कैलकुलेशन किए हम लोग, अलजेब्रिक सम का पालन नहीं हुआ। जैसे नहीं हुआ तो दिमाग को कहेंगे दिमाग सदिश राशि, क्या बोलेंगे उसको? तो ये विस्थापन हमारा क्या हो गया? सदिश। तब फिर बात हुआ कि सदिश राशि है तो त्रिभुज नियम का पालन करेगा, मतलब उसका मान निकालने के लिए त्रिभुज का निर्माण होना चाहिए या समांतर चतुर्भुज का निर्माण होना चाहिए। तो क्या यह त्रिभुज का निर्माण हुआ? तो त्रिभुज का निर्माण हुआ तो त्रिभुज के इस भुजा की लंबाई निकालने जानते हैं? हाँ सर, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय सारे बच्चे जानते होंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हुए हम बच्चे लोग यहाँ से ये मान बता पाएंगे, रूट अंडर हो जाएगा 8² + 6² = 10 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो विस्थापन का मान अलजेब्रिक सम से निकला क्या? नहीं निकला सर। तो त्रिभुज बनाया कि नहीं बनाया आपने? त्रिभुज बना के विस्थापन का मान निकाला, मतलब स्पष्ट हो गया कि जो लाइन लिखाया गया था वो क्लियर हो गया। और एक बात क्लियर हो जाएगा कि विस्थापन का मान कितना हुआ? 10 मीटर। तो कहता है यह एक सदिश राशि होगा, यह क्या होगा? सदिश राशि हो जाएगा, क्लियर। सदिश राशि होने का मतलब हो गया, वेक्टर क्वांटिटी होने का मतलब निश्चित दिशा होना चाहिए। क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? जहां भी सरल रेखा होता है, जहां भी सरल रेखा होता है वहां पर निश्चित दिशा होता है। कैसे? आप देखो गौर से, यहां से चलना शुरू करो, चलते जाओ, कहीं दिशा बदलेगा क्या? तो निश्चित दिशा हो गया यहां पर क्लियर रूप से। लेकिन इस पथ पर चल के इसी पर आओगे तो दिशा बदला कि नहीं बदला? पहले यह दिशा था, वहां जाके दिशा हो गया, ये तो दिशा बदल गया, तो वहां पर अदिश कहलाएगा। इसका मतलब 8 + 6 = जो निकालोगे वह दूरी निकलेगा। क्या निकलेगा? वो दूरी निकलेगा, दूरी निकलेगा 8 + 6 = 14 मीटर। दूरी को हम लोग कहेंगे अदिश राशि। क्या कहेंगे? अदिश कह देंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि वो अलजेब्रिक सम का पालन किया। किसका पालन किया? तो ये एग्जाम्पल था आपका, जितने भी सदिश के बारे में सेंटेंस लिखा था उसको समझाने के लिए यह परफेक्ट था उदाहरण आपका, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सदिश राशि का कहेगा 5 उदाहरण दो, कौन कौन सा राशि व्यवहारिक जीवन में है जो सदिश है। तो पहला राशि आपके सामने मिल गया, कौन? विस्थापन। यहीं से शुरू करेंगे हम लोग। तो फॉर एग्जाम्पल सदिश राशि का एग्जाम्पल हम लोग क्या क्या दे सकेंगे। तो एग्जाम्पल में यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, पहला बात विस्थापन इंग्लिश वर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दूसरा राशि हम लोग लेते हैं वेग। वेग इंग्लिश वर्ड होता है वेलोसिटी। तीसरा बात होता है हमारा त्वरण इंग्लिश वर्ड होता है एक्सेलरेशन। उसके बाद होता है बल, फोर्स।
फोर्स, उसके बाद हम लोग देखेंगे संवेग, क्या बोलेंगे संवेग मोमेंटम, उसके बाद देखेंगे आवेग इंपल्स, इंपल्स उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड आएंगे जो हम लोग हो सकता है जानते भी हो सकता है नहीं भी जानते हो। तो चलिए अभी उसका व्याख्या नहीं करेंगे, सिर्फ एग्जांपल लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे नए नए चैप्टर में उसका व्याख्या मिलेगा। आवेग के बाद एक टर्म होता है बल आघूर्ण, बल आघूर्ण मोमेंट ऑफ फोर्स, इसी का दूसरा भी अंग्रेजी शब्द नाम है टॉर्क, टी ओ आर क्यू यू ई टॉर्क। उसके बाद हम कहेंगे कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी, उसके बाद कहेंगे कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। उसके बाद हम लोग देखेंगे बहुत सारे टर्म होते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं विभव परवणता, लगेगा ये अदिश है लेकिन है ये सदिश, विभव परवणता शब्द के कारण ये बदल जाता है। इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। आवेश कहाँ है, गो है, गो गो इंपल्स। आवेश का इंग्लिश होता है चार्ज, इंग्लिश देखो इंपल्स आवेग, गो 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 आवेग गो, तालब से होता तब ना आवेश होता, ये आवेग है मोमेंटम, संवेग का गोतिया का नाम है आवेग, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंग्लिश वर्ड है इसका, ये फील्ड लिखा हुआ फील्ड, अच्छा से लिख देते हैं एफ आई ई एल डी फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, ये सब आपको कम से कम 8-10 नाम याद रहना चाहिए, फिर तो आपको जैसे जैसे पढ़ाई करते जाएंगे नए नए वर्ड आपके सामने आते जाएंगे और उसको आप लिखते जाएंगे। तो चलिए जल्दी से यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग सदिश अदिश को पहचान लिए, सोचने के लिए सीख गए। अब हम बच्चों को यहाँ से आगे बढ़ना है और नई चीज़ें सीखना है। सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है, हम लोगों ने सोच लिया। अब हम बच्चों को क्या सोचना है, सदिश राशि को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे निरूपित करते हैं, उसको हम लोग अभी सीखेंगे। जल्दी तैयार हो जाइए, लिख लिए, चलिए बहुत जल्दी से लिखिएगा तेजी से फटाफट। अब हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, अब आपको थोड़ा हाथ को आराम देंगे और आप लोग को गौर से सुनना है सिर्फ थोड़ा देर, तब फिर लिखना है। रेडी तैयार है, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सदिश का निरूपण, सदिश का निरूपण बड़ा इंपॉर्टेंट चीज शुरू करने जा रहे हैं, बहुत गंभीर से सुनिएगा। अब यहां से थोड़ा दिमाग पर जोर पड़ेगा, अभी तक जितने बातें था सिंपल सिंपल था, अब थोड़ा दिमाग पर जोर जाएगा। कहना चाहता है कि हम सदिश और अदिश दोनों शब्द का चर्चा कर रहे हैं, स्केलर और वेक्टर दोनों का चर्चा कर रहे हैं, ये दोनों को जब कहीं लिखेंगे तो दोनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए, दोनों में अंतर समझाने के लिए उसके सिंबल में कुछ न कुछ अंतर होता है। तो क्या अंतर होता है, आइए गौर से। तो पहला बात मैं लिखूंगा सिंबल में अंतर, सिंबल में अंतर कैसे होता है, जैसे बच्चे क्लास में एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। जल्दी बोलिए हाँ या ना, कंफर्म है। अभी सदिश और अधिक के स्टॉक में ये तीनों शब्द था, अब आप लोग देखेंगे कितना याद रखे हैं। बताइए तो बल को सदिश कहेंगे क्या, अदिश? द्रव्यमान को हाँ चीनी वाला याद है ना, और त्वरण सदिश। तो इसमें देख रहे हैं हम लोग कि बल सर हमारा सदिश है, वेक्टर है, द्रव्यमान हमारा क्या है, अदिश है, स्केलर है, है या नहीं, और ये त्वरण जो है वेक्टर है, सदिश है, राइट। अब इसका सिंबल लिखते थे आप छोटे छोटे बच्चे क्लास में, सिंबल कैसे लिखते थे याद है आपको, एफ बराबर एम इंटू ए, याद है ना। अभी हम लोग नहीं लिखेंगे ऐसा, अब थोड़ा सा हम लोग का डिजाइन बदलना चाहिए, थोड़ा हम लोग बड़े हो गए, सोच हमारा विस्तार होने लगा। तो यहाँ पर अब बच्चे क्लास में दिशा वाला बहुत सारा कंसेप्ट छोड़ के थ्योरी पढ़ाया जाता था, लेकिन अब हम लोग दिशा वाले कंसेप्ट को साथ में लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है कि बल सदिश है, द्रव्यमान अदिश है, और त्वरण सदिश है। तो जो जो सदिश राशि है, ध्यान से सुनिएगा, जो जो सदिश राशि है उसके सिंबल के ऊपर तीर चिन्ह लगाएंगे, एरो लगाएंगे। क्या बोला मैंने, तो जैसे देखिएगा यहाँ पर मैंने एरो लगा दिया और यहाँ पर भी एरो लगा दिया, लेकिन द्रव्यमान पर एरो नहीं लगाएंगे, सिर्फ सिंबल लिखते हैं तो वह परिमाण को बताता है, और सिंबल लिखकर उस पर तीर का चिन्ह डाल देंगे तो परिमाण के साथ साथ दिशा को बताएगा। तो सदिश राशि में दोनों होता है और अदिश राशि में सिर्फ परिमाण होता है। सेट हुआ मन में, क्लियर हुआ? तो जहां जहां इक्वेशन लिखेंगे, यदि सदिश राशि जहां जहां आएगा उसके ऊपर क्या लगाएंगे, तीर चिन्ह लगाएंगे। अब देखिएगा तीर चिन्ह लगाने का भी नियम निश्चित है, ऐसा नहीं कि सर ने बोला तीर लगाने, हर ठरोरे लगाते हैं। बेग का सिंबल है मान लो भी, बेग का सिंबल है आपका भी, तो हम तीर ऐसे लगा देंगे, यदि ऐसे तीर लगा दोगे तो हमें उसको गलत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तीर तो लगेबे के सर आपने बोला था, तो आप क्या क्या करते हैं, बोलते भी हैं फिर काटते भी हैं, लेकिन नहीं, याद रखना है क्या नहीं करना है उस पर विशेष ध्यान दीजिए। करना जो है सारे बच्चे रोज करते हैं, लेकिन करना क्या क्या नहीं चाहिए वो जो बच्चे ध्यान देते हैं वही बच्चे लंबी दूरी तय करते हैं। गलती जहां होता है उस पर विशेष ध्यान, सही तो होना ही है, गलती नहीं हो उसके लिए गलती पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो सर आपने इसको काट दिया, अब मैं बोल रहा हूं गौर से सुनेंगे, तीर चिन्ह जब भी देना है पूरे ब्रह्मांड के साइंस में सदिश को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल पर तीर चिन्ह दिया जाता है, और तीर का दिशा लेफ्ट से राइट की ओर, क्या बोलेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर। यदि यहाँ मेरा हाथ खड़ा है, ये राइट है लेफ्ट है, तीर चिन्ह हमेशा लेफ्ट से राइट देने का कन्वेंशन है, मान्यता है, कभी भी राइट से लेफ्ट की ओर देने का कन्वेंशन नहीं है, मान्यता नहीं है, इसीलिए ऐसा तीर का चिन्ह लेंगे तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। और यहाँ पर जो तीर चिन्ह दिया ये क्या होगा, सही है, ये भी सही है। सेट हुआ मन में, चलिए बहुत सुंदर बात। जब सदिश को निरूपित करना है तो कहीं फार्मूला आएगा,
फार्मूला में सिंबल लिखेंगे तो वहां पर ये बात ध्यान देंगे आप लोग, एक बात हुआ। दूसरी बात है आपको यहाँ और क्या ध्यान देना है, ध्यान से देखिएगा, चित्र में पिक्चर में कैसे दर्शाएंगे, चित्र में अभी आपने सुना था कुछ ही देर बाद पहले आपने यह सुना था कि सर सदिश राशि त्रिभुज के नियम का पालन करता है, बोले यस नो, और समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करता है। तो कोई भी सदिश राशि का मान निकालेंगे त्रिभुज की आवश्यकता पड़ेगी, त्रिभुज बनाएंगे चित्र बनेगा। ओ इसका मतलब चित्र में भी सदिश राशि को दर्शाने का कोई ना कोई कंसेप्ट होता होगा। तो यहाँ पर अभी इस गप को मैं पूरा नहीं कर सकूंगा, समय कम है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ बातों को ला के छोड़ रहा हूँ, मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। अगले क्लास में इसको यहाँ से आगे पूरा करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हम लोग जय हिंद जय भारत।